स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज चैनल पर। फिल्म बैड न्यूज में सलोनी बग्गा बनकर छाई फिल्म एनिमल की भाभी यानी कि तृप्ति ढीमरी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। एक्ट्रेस फिल्म की सफलता का आनंद ले रही हैं। पहली बार उन्हें विक्की कौशल और एमी के साथ पर्दे पर देखा जा रहा है। दर्शकों को ये तिकड़ी खूब पसंद आ रही है। तृप्ति ढीमरी ने एक बार फिर अपने हॉट लुक से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रविवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो एक ऑफ शोल्डर व्हाइट ड्रेस में नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस की इस हॉटनेस ने अपने फैंस का दिल धड़का दिया है। बता दें, एक्ट्रेस का ये गाउन फैशन लेबल डेमी का है। अपने शानदार गाउन को पूरा करने के लिए तृप्ति ने डायमंड की एक्सेसरीज कैरी की है। वही बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा की, तो प्रियंका चोपड़ा इस समय ऑस्ट्रेलिया में है और फ्रैंक ई टावर्स की पीरियड एक्शन फिल्म द ब्लफ की शूटिंग कर रही है, जो 19वीं सदी के कैरेबियन पर आधारित है, जिसमें वो एक समुद्री डाकू की भूमिका निभा रही हैं। इस मूवी का निर्देशन फ्रैंक ई फ्लावर्स कर रहे हैं। इसके अलावा देसी गर्ल हेड्स ऑफ स्टेट में भी नजर आएंगी। अब सोशल मीडिया पर इस लुक में उनकी फोटो भी सामने आ चुकी है। इस फोटो में वो द ब्लफ की टीम के साथ एक जहाज पर शूट करती नजर आ रही हैं। वही बात करते हैं दिग्गज एक्ट्रेस सायरा बानो की, तो सायरा बानो फैंस की पसंदीदा स्टार्स में से एक हैं। फिल्मों के बाद अब वो सोशल मीडिया पर अपने चाहने वालों के साथ जुड़ी रहती हैं और वहां पोस्ट शेयर कर अलग अलग किस्से बताती हैं। अब एक्ट्रेस ने गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और साथ ही लंबा चौड़ा एक नोट भी लिखा है। वही अब बात करते हैं जानवी कपूर की, तो जानवी कपूर बीते दिनों अस्पताल में भर्ती थी। एक्ट्रेस को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनकी बहन खुशी कपूर और बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया ने उनकी देखभाल की थी। हालांकि अब अभिनेत्री को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और एक बार फिर जानवी उलझ के प्रमोशन में बिजी हो गई हैं। मिस्टर एंड मिसेस माही के बाद एक्ट्रेस जानवी कपूर अपनी अगली फिल्म उलझ को लेकर सुर्खियों में हैं। 16 जुलाई को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद भी किया। अब मेकर्स ने उलझ के पहले गाने का टीजर रिलीज किया है और बताया है कि ये टीजर कब रिलीज होगा। ट्रेलर से दर्शकों का मनोरंजन करने के बाद जानवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर रविवार को शौकन गाने का टीजर वीडियो शेयर किया है, जिसमें अभिनेत्री एक क्लब में डांस करती नजर आ रही हैं। टीजर देखकर लग रहा है कि ये एक पार्टी सॉन्ग है। तो ये थी बॉलीवुड दिनभर से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज। फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना, अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते, फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका, फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। Available for iOS and Android devices, please download Filmy Jobs app.